हेलो दोस्तों, किसी भी राज्य के विकास के लिए कुछ बेसिक चीजें जैसे रोड, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी का डेवलप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जो उस राज्य को डेवलप होने में मदद करता है। तो आज हम ऐसे ही 5 सेक्टर के प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो बिहार को बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला सेक्टर है कनेक्टिविटी। किसी भी स्थान को डेवलप करने के लिए उसका कनेक्टिविटी मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 2 लेन और 4 लेन रोड तैयार किए जा रहे हैं, जैसे दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे, मनिहारी साहिबगंज ब्रिज जैसी ढेर सारी प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही बिहार में 3 एयरपोर्ट गया, पटना और दरभंगा फंक्शनल है, और साथ ही में बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट भी बन जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी तो बढ़ेगा ही, साथ ही में टाइम भी बचेगा और रेल का भी कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है छोटे छोटे रीजन में भी। दूसरा सेक्टर है टूरिज्म। आज राजस्थान जैसे राज्य टूरिज्म से ही अच्छी खासी अर्निंग करता है और बिहार में टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम, गोपालगंज जिला का थावे देवी का मंदिर का पुनर्विकास किया जा रहा है और पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा प्रभु राम का मंदिर बनने जा रहा है। साथ ही में सिमरिया गंगा घाट का भी डेवलपमेंट किया जाना है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में जैसे राजगीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पे फ्यूचर में इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनने जा रहा है, जिससे टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा। तीसरा सेक्टर है आईटी सेक्टर। आज का वर्ल्ड डिजिटल होते जा रहा है, इसमें बिहार के युवा को अपडेट रखने और अपने राज्य में आईटी फील्ड का काम उपलब्ध कराने के लिए आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं, जो कि बिहार के भागलपुर, दरभंगा और पटना में बनाया जा रहा है। लेकिन अभी काम सिर्फ दरभंगा और पटना में ज्यादातर कंप्लीट हो पाया है और दरभंगा का आईटी पार्क भारत का सबसे मॉडर्न और सबसे बड़े आईटी पार्क में से एक होगा। इसके अलावा कुछ बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम भी सिखाए जा रहे हैं राज्य के बच्चों को ट्रेनिंग के जरिए, जो अभी के दुनिया के साथ जुड़ने में मदद करेगा। चौथा सेक्टर है हेल्थ। राज्य में लोगों के सुखी जीवन और अपने राज्य में व्यापार बढ़ाने के लिए बिहार के अंदर अच्छे बड़े हॉस्पिटल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार के लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा पीएमसीएच को दुनिया का सबसे बड़ा में से एक हॉस्पिटल और दरभंगा के डीएमसीएच को बिहार का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसका काम शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा उत्तर बिहार के जनसंख्या के इलाज के लिए दिल्ली पटना से निर्भरता भी कम किए जा रहे हैं और दरभंगा में एम्स बनाने का प्रस्ताव भी पारित है और कुछ अड़चने दूर होने के बाद बहुत जल्द यहां पे एम्स बन सकता है। पांचवा सेक्टर है इंडस्ट्री। किसी भी राज्य में आम जनता को काम देने के लिए इंडस्ट्री जरूरी है और बिहार जैसे सघन आबादी वाले राज्य में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इंडस्ट्री के कमी के कारण ही बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है। लेकिन अब कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिहार में भी लगाए जा रहे हैं, जैसे पूर्णिया और मधुबनी जिला में इथेनॉल की फैक्ट्री, साथ ही में बेतिया के चनपटिया में कपड़ा उद्योग, बरौनी में पेप्सी और खाद प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारी योजनाओं का ट्रेनिंग करवा रही है और साथ ही में काम शुरू करने पर सब्सिडी भी देती है, जिससे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही में व्यापारिक मानसिकता भी आ सकती है लोगों में। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन और क्राइम जैसे चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, जो कि बिहार में बहुत ही ज्यादा वीक होते जा रहा है। तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।